नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, ये है डेली न्यूज़ एनालिसिस 2 अप्रैल का। कल वैसे ज़्यादा न्यूज़ था नहीं, इसलिए जो भी था थोड़ा मोड़ा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वैसे न्यूज़ है दोस्तों, ई वे बिल के बारे में, है ना। ये वैसे थोड़ा पुराना न्यूज़ है एक्चुअली। इसमें क्या है ना, देखिए, नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है ई वे बिल का, ठीक है। और ये जो डेट टाइम फ्रेम दिया गया है, अप्रैल 1 से, ठीक है। बट ये जो ई वे बिल का इम्प्लीमेंटेशन होगा ना, ये इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच वाला होगा, है ना। इंट्रा स्टेट नहीं, जैसे इंट्रा स्टेट मतलब होता है स्टेट से स्टेट के बीच में। तो पहले तो आपको पहले समझा देता हूँ दैट ई वे बिल होता क्या है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, कभी भी अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर गुड ले जाना चाहोगे ना, ठीक है, और अगर उस एक सोचिए ट्रक में आप गुड ले जा रहे हो और उस ट्रक में आपका सामान 50,000 रुपये से ज़्यादा का है, ठीक है, मोर देन 50,000 रुपीज़, और अगर ये व्हीकल ट्रैवल कर रहा है मोर देन 10 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है, तो उस केस में आपको ई वे बिल करवाना पड़ेगा, है ना। ये एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक बिल है जिसके तहत पहले जो क्या होता था ना, दैट एक गाड़ी अगर यहाँ से दूसरी जगह, बीच में बहुत सारे चेक पोस्ट से उसको गुजरना पड़ता था, ठीक है, तो वो सब चेक पोस्ट में बहुत ज़्यादा गाड़ी का भी हैसल होता था। तो ये सब से डू अवे कर देने के लिए सरकार ने बोला, चलो भैया ई वे बिल ले आ जाते हैं, और इसमें तो ये कंडीशन सिर्फ रख दे रहे हैं दैट 50,000 से ज़्यादा का सामान होने से और 10 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस करने से हम लोग उसको ई वे बिल लेना अनिवार्य है, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंट भी हुआ था बट सर्वर डाउन हो गया था, जीएसटी नेटवर्क का सर्वर फुल डाउन चला गया था, ठीक है। तो इसीलिए मतलब इसको टाल देना पड़ा, इसको पोस्टपोन कर देना पड़ा, और बोला जा रहा है दैट कल से, दैट इज अप्रैल 1 से ऑलरेडी इसको लागू हो गया है ना। और कर्नाटका इसमें एक पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो इंटर स्टेट के साथ साथ इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड को भी ई वे बिल के अंडर लाई हुई है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, अभी लेकिन जीएसटी काउंसिल ने हमारा बोला है सिर्फ इंटर स्टेट, इंटर स्टेट को जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड होगा, मतलब स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में, उसी को सिर्फ आप इसके ई वे बिल के अंडर लाइए, ठीक है। बट कर्नाटक इसलिए ला रही है क्योंकि कर्नाटक में आईसीटी नेटवर्क, दैट इज इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए। तो एक्सेप्शन है कर्नाटक, वो ज़रा याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंटर स्टीटियम। देखिए, एक ये बोला जा रहा है दैट इट इज़ अ लार्जेस्ट ऑर्गन डिस्कवरी इन द ह्यूमन बॉडी, जो कि अभी तक डिस्कवरी नहीं हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन मेरा आपसे है दैट कुछ दिन पहले और एक ऑर्गन मतलब इन्वेंट किया गया था, उस ऑर्गन का नाम बताइए, सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा, उस ऑर्गन का नाम है मेसेंट्री, MESENTRY, है ना। तो वो पहले डाउन मतलब सॉरी डाउनलोड नहीं इन्वेंट किया गया था, है ना। और लेटेस्ट जो है इसको बोला जा रहा है इंटरस्टिटियम। अभी भी इसमें 100% रिसर्च हुआ नहीं है, बट जो भी रिसर्च हुआ है उसके सामने से यही हवाले से खबर आता है दैट इट इज़ फाउंड इन एवरीवेयर इन द बॉडी, आपके बॉडी के हर एक पार्ट में ये मिलता है, ये न्यू ऑर्गन। और ये एक्ट करता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर इन ऑल द प्लेसेस वेयर टिश्यू आर मूव्ड और सब्जेक्टेड टू फोर्स। आपका बॉडी में जो टिश्यूज है ना, वो तो सब्जेक्टेड टू फोर्स होता है ना, तो वहां पर ये न्यू ऑर्गन का प्रेजेंस होता है। द ऑर्गन इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फ्लूइड फिल्ड स्पेस ऑल ओवर द बॉडी एंड द साइंटिस्ट से दैट इट मे इवन बी वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। देखिए, इसमें क्योंकि 100% नहीं हुआ है इसलिए मैं आपको सब कुछ, देखिए और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन थे आर्टिकल में, तो कुछ कुछ तो डीप बायोलॉजी में घुस जाता है, वो सब पढ़ने को कोई फायदा नहीं है। आपको सिर्फ यही याद रखना है दैट ये टिश्यू का नाम क्या है, और फिलहाल तक याद रखिए दैट ये एक शॉक एब्जॉर्बर है ना, जो कि प्रेजेंट रहता है टिश्यू, मतलब हर एक प्लेस में वेयर टिश्यूज आर मूव्ड और सब्जेक्टेड टू फोर्स, ठीक है। अभी जस्ट इतना ही याद रखिए, और कुछ ज़्यादा याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है। नेक्स्ट है बीडू नेविगेशन सैटेलाइट के बारे में न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था वो देख लेते हैं, क्योंकि चाइना ने दोस्तों सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया अपने 2 सैटेलाइट्स एक ही सिंगल रॉकेट से, ठीक है। और ये इसी 2 सैटेलाइट के लॉन्च करने के बाद बीडू जो नेविगेशन सिस्टम है चाइना का, जो कि टक्कर दे रहा है यूएस के जीपीएस को, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को, ठीक है। तो ये चाइना का बीडू है, ध्यान रखिएगा, चाइना का बीडू है, वैसे ही यूएस का जीपीएस है, रशिया का ग्लोनास है, ईयू का दैट इज यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है, जापान का क्यूजेड एसएस है,
एंड इंडिया का तो नाविक है, आपको पता ही है, नाविक को IRNSS भी कहते हैं, है ना। तो B2 सैटेलाइट के बारे में, उनके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। ये एक इंडिपेंडेंट सर्विस है जो कि चाइना में 2000 सन 2000 को फॉर्म किया गया था। एंड इसमें बोला जा रहा है दैट अभी तो एट प्रेजेंट 22 ऑपरेशनल सैटेलाइट है, बट पूरा जो कॉन्स्टेलेशन बनेगा ना वो 35 सैटेलाइट का बनेगा चाइना के द्वारा। एंड बीडू हैज़ टू सेपरेट कॉन्स्टेलेशन, दो सेपरेट कॉन्स्टेलेशन उसके रहेंगे, एक B-1 एक B-2। B-1 का कहा जा रहा है इट इज़ अ फर्स्ट जनरेशन वॉज अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ 3 सैटेलाइट्स, 3 सैटेलाइट का कॉन्स्टेलेशन है। B-2 जो है इसको कॉम्पास के नाम से भी जाना जाता है, एंड इट इज़ अ सेकेंड जनरेशन ऑफ द सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम ऑफ यू नो बीडू। नेक्स्ट इज कोजी कोडे टर्न्स चाइल्ड फ्रेंडली। देखिए दोस्तों, कोजी कोडे जो है डिस्ट्रिक्ट में, तो एक्चुअली वहाँ पे एक यात्रा ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर द एजीज ऑफ चाइल्ड लाइन कोजी कोडे एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, बाई कंडक्टिंग ग्रासरूट लेवल सर्वे एंड अवेयरनेस कैंपेन रिगार्डिंग द चाइल्ड फ्रेंडली इशूज़। लाइक कुछ कुछ फाइंडिंग्स भी दिया गया, और पहले तो ये बता दे रहा हूँ दैट 70 ग्राम पंचायत्स को इसमें कवर किया गया था, ये जो सर्वेस कंडक्ट किया गया था, और इसमें डिफरेंट चीज़ों को फोकस किया गया था, दैट चाइल्ड अब्यूज़ अमंग चिल्ड्रन जो होता है उसको कैसे रोका जाए, मेल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन को कंसर्न किया गया था, रेजिस्टेंस टू वैकेशन कैंपेन, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड मैरिज, पुअर अवेयरनेस अबाउट लॉज रिलेटेड टू चाइल्ड, ठीक है। तो ये सब में ओवरऑल इस कैंपेनिंग के साथ साथ यू नो मास अवेयरनेस कैंपेन भी फैलाया गया ये सब सेक्टर में, जिससे यू नो उस ज्यादा मतलब ये 70 ग्राम पंचायत के जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर यू नो ये सब के बारे में चीज फैले, ठीक है। एंड इट आल्सो कंडक्टेड ओपन डिस्कशन ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के द्वारा कोई भी अगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो रहा है उसके द्वारा मतलब उसको यू नो उसको लेकर क्लियरली बात बोला गया इस ग्राम पंचायत में, जिससे लोगों को अवेयरनेस हो दैट हाँ भैया चाइल्ड के रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या क्या कानून बने हुए हैं हमारे, ठीक है। अच्छा, इसके तहत कुछ कुछ फ्यूचर प्लान भी सुझाया गया है, दैट इज लिखा हुआ फ्यूचर प्लान ऑफ चाइल्ड लाइन एंड DLSA, दैट इज प्रिपेयरिंग ऑफ वल्नरेबिलिटी मैप ऑफ कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट और फॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड राइट थिंक टैंक, ठीक है। सो दीज आर टू थिंग्स अंडर इट। नेक्स्ट एक योजना है बेसिकली दोस्तों, ये है भारत नेट योजना, ठीक है। इसका एम है दैट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क प्रोवाइड करने का लिए, जिससे अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाया जा सके हर हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री को, ठीक है। साथ ही साथ ये रियलाइज करता है विजन ऑफ डिजिटल इंडिया इन पार्टनरशिप विद स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर। प्रोग्राम प्रीवियसली इस प्रोग्राम को कहा जाता था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, अभी इसको कहा जाता है भारत नेट, ठीक है। और इसको 3 फेज में इंप्लीमेंट किया जाएगा दोस्तों। पहला फेज ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गया, जिसमें 1 लाख ग्राम पंचायत को कवर कर लिया गया है। दूसरा फेज बोला जा रहा है 2009 के दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, और तीसरा फेज 2023 के 23 तक कंप्लीट हो जाएगा, जिसके तहत प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट ऑफ आर्ट नेटवर्क यूजिंग फाइबर्स बिटवीन डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स, जिससे हर एक रीजन कनेक्ट हो सके इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी थ्रू। और साथ ही साथ प्रोजेक्ट वॉज इंटेंडेड टू इनेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड ई सर्विसेज। देखिए गवर्नमेंट जो ई सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना, तो यू नो रूरल एरिया तक नहीं प्रोवाइड कर पाती है, क्योंकि रूरल एरिया में तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ठीक है। तो इसके तहत ये इंश्योर करेगी कि सरकार के द्वारा जो ई हेल्थ सर्विसेज, ई एजुकेशन और ई गवर्नेंस सर्विसेज का जो प्रदान किया जाता है वो जिससे और भी कंड्यूसिव तरीके से प्रदान किया जा सके, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन विल बी डन बाई स्टेट्स, डिफरेंट स्टेक होल्डर साथ में आते हैं, जैसे स्टेट, स्टेट एजेंसी, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। और साथ ही साथ ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा दैट भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है ये इसका नोडल एजेंसी है, जो क्या भारत नेट का इम्प्लीमेंटेशन का एक्चुअली ग्राउंड लेवल में देखता है, ठीक है। अच्छा, इसको फंड किया जाता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, ये यूनिवर्सल सर्विस फंड ऑब्लिगेशन फंड होता क्या है ये देख लेते हैं दोस्तों। इसको स्टैब्लिश किया गया था 2002 में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को, और इसको यूटिलाइज किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग टेलीग्राफ एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज टू रूरल एंड रिमोट एरियाज, जहां पर यू नो प्राइवेट कंपनीज जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं करती है ना। साथ ही साथ बोला गया इट रिसीव्स फंड फ्रॉम यूनिवर्सल सर्विस लेवाई, जो क्या चार्ज किया जाता है हर एक टेलीकॉम ऑपरेटर को, और हर एक टेलीकॉम ऑपरेटर को ग्रॉस रेवेन्यू होता है ना उसका 5% चार्ज किया जाता है एज अ यूनिवर्सल सर्विस लेवाई, और उसका जो पैसा लिया जाता है उसी को इस फंड में डाला जाता है, और उसी फंड से खर्चा किया जाता है रूरल और रिमोट एरिया में कोई भी अगर टेली कम्युनिकेशन या फिर टेलीग्राफ सर्विसेज का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना हो तो ये किया जाता है। फंड्स आर डिस्पैच थ्रू बिडिंग प्रोसेस, जी हाँ दोस्तों, फंड को बिडिंग प्रोसेस के तहत डिस्पैच किया जाता है। बिडिंग में यू नो जो बोलता है दैट हम कम पैसा में यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर देंगे उसी को दे दिया जाता है बिडिंग में, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के बारे में भी। रिगार्डिंग दोस्तों स्पेक्ट्रम बुक, वैसे मैंने नोटिफिकेशन आपने दे दिया है, अगर आप नए जुड़ रहे हैं इस चैनल से तो ये ध्यान रखिएगा चैप्टर 1 चैप्टर 2 एमसीक्यू के साथ कवर अप हो चुका है, ठीक है। तो ये अगर आपको देखना है तो नीचे जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक में आप देख सकते हो, या फिर अगर आपको सहूलियत चाहते हैं तो इस फेसबुक पेज जो है इसके लिंक में आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर भी मैं अपलोड करते रहता हूँ, साथ ही साथ यहाँ पर तो डेली एमसीक्यूज भी चलता रहता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच।